test and now I'm waiting for the result. So obviously nervousness is there, but at the same time excitement is also there, you know, as this is my first film, so excited to see my skills, my scenes, you know, on screen. After working in a film, see, I see myself very fortunate that I got this opportunity. And second of all, acting is a learning process. So just because I've done one film, that doesn't mean that, you know, I've achieved something. So obviously acting is a learning process, and I'm excited for this one and many more to come. Ritu Parna Sen Gupta is a national award winner. Yeah, yeah. Aapki first film mein aapki, ji. She's been your colleague, an actor opposite, working opposite you. Aapne kitna unse seekha, or did you find your style of acting, or your method of acting, any different? My method is very different. I don't copy anybody, but obviously we learn everything from, you know, every other actor. So I've learned the caring nature, and you know, she's very supportive, and she's very dedicated towards, you know, performing any scene. So yeah, I've learned a lot from her, and she was very supportive, you know. She never treated me like a newcomer, and she was so warm and, you know, gentle, kya kehte hain, supportive towards me. Rafi Dada music ne super hit already chal rahe hain humne ji ji kahin na kahin aage le jane ke liye uska music ka bahut role hai. Film ko aage le jane ke liye to music ka obviously bahut bada role rehta hai, क्योंकि अगर म्यूजिक हिट होते हैं और म्यूजिक लोगों को पसंद आते हैं, तो एक लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि उनको थिएटर तक ले जाने का जो जरिया होता है, आई थिंक म्यूजिक बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है उसमें. नो कमेंट्स. बिल्कुल चाहा है मैंने, पर अब चाहता हूँ कि लोग मुझे चाहें. इस फिल्म के लिए लोगों से क्या चाहेंगे ऑडियंस से? बस उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग और उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ. पता नहीं क्या रिएक्शंस आएगा लोगों का, बट आई एम हैप्पी एंड ग्लैड, एंड कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए मौका मिला है मुझे. माय प्रोड्यूसर्स, दे आर द बेस्ट, एसआरजी फिल्म, एंड देन सो मेनी गुड यू नो एक्टर्स, देन माय को एक्टर जन्मजय. सो इट्स ए वेरी नर्वस एंड एक्साइटिंग feeling right now. I think lots of coffee. Actually no, I mean I am not thinking much, I just want to enjoy the moment. But ऐसे भी मैं थोड़ी calm ही हूँ. I mean I'm a calm person, I'm not that hyper person, so उतना problem नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है. And yes, coffee makes me feel very calm and cool, so just waiting, and I'm just waiting to watch the movie. I'm really 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 excited now, and I just hope लोगों को अच्छा लगेगा मेरा काम. बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने. सो या, लेट्स सी, एंड आप सबकी विशेस चाहिए. थैंक यू. किरदार तो बहुत ही सुंदर, स्वीट, क्यूट, लव, एक लड़की की किरदार है, जिस लड़की का नाम है वानी, और वो एक्चुअली बहुत ही आउटस्पोकन, बहुत एक्सट्रोवर्ट, जो दिल में आता है वही बोल देती है, इस टाइप की लड़की है. और हीरो उसकी घर के पास ही रहने के लिए आता है, एंड फ्रॉम देयर शी स्टार्टेड लविंग, आई मीन लाइकिंग द हीरो, और उसके बाद कहानी शुरू, कहानी की शुरुआत है. तो
बाकी तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी आपको मूवी के बारे में। शूटिंग के समय कोई ऐसा बात आपके जहन में हो जो कभी भी मिस? मतलब ऑफ कोर्स द होल टीम, हम सब ने बहुत एक फैमिली की तरह शूट किया था और बहुत मतलब मज़े से, बहुत प्यार से, बहुत क्या बोले उसको, कामली हमने शूट किया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हमें कुछ भी चीज़ों की प्रॉब्लम हुई, हमने ऐसे शूट किया। तो बस आज एक्चुअली प्रमोशंस इतने सारे हुआ और एक फैमिली की तरह इतने टाइम से हम लोग सब काम कर रहे थे और आज मूवी रिलीज है, तो ऑब्वियसली मिस करूंगी द होल टीम को। थैंक यू सो मच। यू आर मेकिंग योर प्लेबैक सिंगिंग डेब्यू विद दिस फिल्म टुडे, हम तुम्हें चाहते हैं। हाउ एक्साइटेड आर यू एट द एज ऑफ 14, वन बिग सॉन्ग इन अ फिल्म व्हिच इज ट्रेंडिंग नंबर 2 इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ दैट हम तुम्हें चाहते हैं का प्रीमियर है आज और कल वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और सेवा सेवा एक ऐसा गाना है जो सबको नचाता है, आप लोग सब लोग को, सब लोग नाचते हैं, गाते, झूमते हैं। और स्पेशली आज दादू को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग आए यहाँ पर, दादू होते थे तो एक अलग ही मज़ा होता था। और सेवा सेवा में एज द यंगेस्ट प्लेबैक सिंगर डेब्यू दे रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और आप लोग को, आई होप आप लोग को मूवी अच्छा लगे। हाँ हाँ, नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम की कुर्सी से चिपक गया। सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा। थैंक यू। शूटिंग के टाइम पे तो अनरियल लग रहा था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा फाइनल टर्म पेपर था और 8 से 9 तक, और मम्मी एज यूजुअल टेंशन कर रही थी क्या पढ़ेगा क्या करेगा, तो शूटिंग वाज आउटस्टैंडिंग ऑन स्पॉट। गोविंद नामदेव जी, राजपाल जी, तो मैं आई एम वेरी ऑनर्ड क्योंकि राजपाल जी इतने बड़े लेजेंडरी कॉमेडियन मेरे गले पर एक्टिंग कर रहे, प्ले कर रहे, बहुत खुशी की बात है। और लॉलीपॉप जी, लॉलीपॉप प्रधान, उन्होंने कोरियोग्राफ किया बहुत अच्छे से, उनका जो आइडिया था बहुत क्रिएटिव आइडिया था एकदम डिस्को लाइट के साथ। और बहुत खुश हूँ, आप लोग अच्छा लगे मूवी और इन्जॉय कीजिए। नर्वस तो एकदम नहीं हूँ मैं तो एकदम बिंदास आदमी, दादू जैसे, दादू ने मुझे एक चीज बहुत नर्वस नहीं रहने के लिए, बिंदास रहने के लिए, नर्वस है ही नहीं। थैंक यू सो मच। I'm always curious and excited with every film of mine. It is not a matter that, you know, I have won awards or anything, but for me every film is a learning experience. So be it. Hum tumhe chahte hain, and this is a very very special film for me and very very close to my heart because it's hamari ghar ki film hai, Bapida ki film hai aur Bapida's family's film hai, to SRG films is like my family and performing in a family film is something very very special. Aur mujhe laga ye story mein bahut hi khasiyat hai, it's a beautiful love story, lekin usme sirf love hi nahi है, बहुत सारे अदर एंगल्स है जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मूवी के लिए। स्टोरी लाइन इज वेरी पावरफुल, एक इंडिपेंडेंट वुमन की कहानी है, एक कॉर्पोरेट वुमन की कहानी है, एक लव एंगल है और सोसाइटी में जो भी चल रहा है उसका भी एक झलक है इस मूवी में। तो इसीलिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल कंपोज्ड फिल्म
और मैं जो किरदार निभाई उसके नाम है माया, और माया इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर. हर फिल्म से मुझे कुछ सीख, मैं कुछ सीख पाती हूँ, और मुझे लगता है कि हर फिल्म मुझे कुछ सिखा जाते हैं. तो हम तुम्हें चाहते हैं भी, ऐसा ही एक स्टोरी है जो बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, और हमारी जो डायरेक्टर है राजन जी उसको बहुत अच्छे से एसिमिलेट किया. और आज के दौर में बहुत सारी थ्रिलर्स और एक्शन पैक्ड मूवीज हो रहे हैं, लेकिन इसमें वो जो जब लव स्टोरी होता है, एक प्यार भरी कहानी होती है, उसमें लोगों को हमेशा प्यार मोहब्बत पसंदीदा चीज़ें होती है, कि मोहब्बत ऑलवेज हैज रेन्ड ओवर एवरीथिंग, इट हैज ट्रायम्फ्ड ओवर एवरीथिंग. सो मुझे लगता है हम तुम्हें चाहते हैं भी दर्शकों को की चाहत में शामिल होंगे, और दर्शक इसके चाहने लगेंगे, यही हमारी उम्मीद है. और रेमा बापा गोविंद जी इज़ लाइक अ फैमिली. आई एम मिसिंग बापीदा टूडे बिकॉज बापीदा की लास्ट म्यूजिक है इसमें, और बापा ने इसको बहुत अच्छे से अरेंज किया. और हमारी जो वंडर किड है रेगो भी, ही हैज संग द सॉन्ग सेवा सेवा विच इज़ ऑलरेडी ट्रेंडिंग, एंड उसका भी डेब्यू सॉन्ग है इस फिल्म में. तो मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों को अच्छा लगेगा, और इसमें हमारी एक नया कलाकार इंट्रोड्यूस हुए हैं जन्मजय, और अनुस्मृति है, मैं, राजपाल जी, गोविंद नामदेव, अरुण बख्शी जी, अनूप जलोटा जी, बहुत सारे बहुत ही दमदार कलाकार हैं इसमें. सो ऑब्वियसली बहुत ही उम्मीद है इस फिल्म से, तो देखते हैं क्या होता है. एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस, आज मूवी की लॉन्च हो रही है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शामिल हो पाई, क्योंकि मेरा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैम, आपने काफ़ी फिल्मों में काम किया जी, लेकिन इसमें जो न्यू कुमार आर्टिस्ट है उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही? हाँ सॉरी, काफ़ी फिल्मों में काम किया, उन्हें चाहते हैं जो न्यू कुमार आर्टिस्ट जी उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही? मैं न्यू कुमार के साथ काम करके माहिर हो चुकी हूँ. न्यू डायरेक्टर्स, न्यू कमर्स, बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, और मुझे अच्छा लगता है काम करने में, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक नया एनर्जी होती है, बहुत ही एक मतलब एक जुनून होते हैं. तो इसमें भी आई थिंक जन्मजय हैज डन अ गुड जॉब, और हमारी जो डायरेक्टर है वो इतना अच्छे से उनको समझाया, मतलब किरदार के बारे में, कि वो मतलब इतना अनकम्फर्टेबल फील नहीं किया सेट पे, ही वॉज क्वाइट प्रिपेयर, तो वो मुझे अच्छा लगा. बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ आज, और स्पेशली बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि लेजेंड की बेटी होने के बाद अभी रेगो ने भी म्यूजिक में इतना अच्छा शुरुआत किया है, तो अभी रेगो की मम्मी, रेगो भी की मम्मी सब बोलते हैं अभी, तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, और दादा का ब्लेसिंग्स, दादा का आशीर्वाद. जो भी हम काम करते हैं हम दादा को अपने जहन में रख के पूछ के करते हैं, और उनका म्यूजिक है आज ये मूवी पे, और बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि आई एम मिसिंग डैडी वेरी मच. डैडी को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग दिलो जान से, पर भगवान की मर्जी के ऊपर तो किसी का चलता नहीं है, पर वही हमारी शक्ति दे रही है. और रेगो का फर्स्ट डेब्यू हुआ है, दादा के संगीत पे रेगो ने गाया है, जो आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद कभी हुआ नहीं है कि ग्रैंडफादर के ट्यून पे ग्रैंडसन ने गाया है, और उसका फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग एज अ प्लेबैक सिंगर इन द मूवी, फीचर फिल्म है. और सेवा सेवा बहुत ही वायरल हो गया है, सारे गामा ने लॉन्च किया है, म्यूजिक लॉन्च किया है, एंड वायरल हो गया ऑलरेडी, और अच्छा जा रहा है. अभी बस आप लोग की आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग पिक्चर को देखें जाके हॉलों में, जो फ्राइडे में वर्ल्ड वाइड रिलीज है, एंड उसे देखिए. दादा के म्यूजिक, दादा ने भी एक गाना गाया है, रोमांटिक गाना गाया है पलक मुच्छल जी के साथ, और शान जी और अलका दीदी ने भी गाया है, सना अजीज़ जो मोहम्मद अजीज़ की बेटी है उन्हें भी हम लोग ने एक चांस दिया गाना गाने के लिए, तो उसने भी गाना गाया है. तो म्यूज़िक बहुत ही बढ़िया है, दादा का म्यूज़िक ऑलवेज मेलोडियस अच्छा होता ही है, आप लोगों को सबको पता है, और सेवा सेवा भी बहुत हिट हो गई है. तो बस आशा है कि आप लोग जाए थिएटर हॉल में, मूवी देखें और एंजॉय करें. सेवा सेवा को लेकर के रेगो काफ़ी एक्साइटेड है, उन्होंने ऑन कैमरा कहा इस समय बहुत
रेगो 13 साल का है, तो ऑफकोर्स एक छोटा बेबी है, बच्चा है, और वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो बहुत ही रियल म्यूजिशियन है रेगो, और बहुत ही अपने पैशनेट है और म्यूजिक को लेके वो जीता है। इज़ अ 100% म्यूजिकल बॉय, और उसके रग रग में म्यूजिक है, और पढ़ाई में भी अच्छा है, 9th स्टैंडर्ड में है। डिफ़िकल्ट है दोनों मैनेज करना, पर कर लेता है क्योंकि पढ़ाई में अच्छा है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है उसकी पढ़ाई के बारे में, पर वो अच्छा कर रहा है। वॉट एवर ही इज़ डूइंग, ही इज़ वर्किंग हार्ड, और बहुत साधना करता है। 2 साल से गाना शुरू किया उसने, बहुत कम उम्र से गाना शुरू किया, दादा से सीखा भी है, 12 साल ही सीखा है। काश और दादा रहते तो और अच्छा होता हमारे लिए, पर हाँ दादा की ब्लेसिंग्स है। गोविंद जी, आप एज अ प्रोड्यूसर हम तुम्हें चाहते हैं, एक डायरेक्टर बहुत प्यारा है, यस, क्या कहना चाहेंगे इस नया प्रोजेक्ट? एक बहुत ये स्वीट मूवी है, रोमांटिक मूवी है, और दोनों हीरोइन हीरो को चाहते हैं, हीरो किसी को नहीं चाहता है। दोनों हीरोइन हीरो के पीछे पड़ी हुई है, तो बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा देखना। राजपाल जी का बहुत अच्छा कॉमेडी है इसमें, अनूप जलोटा जी जो कभी फिल्म में काम नहीं करते, हाँ, बहुत ही अलग रूप दिखेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसलिए रखा है क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि बॉलीवुड में जो भी मैं फिल्म बना रहा हूँ, साल में 4-5 फिल्म हम लोग बना रहे हैं, तो जितना नए से नए टैलेंट को मैं ले सकूँ वो मेरा टारगेट है। और भी नया फिल्म में जो बनाया है अभी, उसमें 90% नए लोग हैं। एक और अभी हमने कल उसमें 21 अक्टूबर से फ्लोर पे जा रहा है विक्रांत, उसमें भी नए लोग जाते हैं। आगे देखो, आप पब्लिक का प्यार, आप सबका आशीर्वाद मिला तो हम लोग मेहनत करने वाले लोग मेहनत करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, आप सबका प्यार मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, आज भप्पी लहरी जी कितने खुश हो रहे होंगे पता है, कितने खुश हो रहे होंगे, ये उनके आशीर्वाद से हुआ ये काम, ये उनकी बेटी जमात जिन लोगों ने गजब कर दिया है, क्योंकि मेरा तो उनसे बहुत प्रेम रहा, बहुत प्रेम, तो ये बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों ने, उन्होंने जो संगीत बनाया था उस संगीत को फिर रिलीज किया है, उनके जाने के बाद फिल्म में आया। ऐसे ही एक बार हुआ था ना, फिल्म आई थी जिसमें मदन मोहन जी का संगीत था, वीर जारा, कितने साल बाद, तो ये वीर जारा वाला काम हुआ है कि यहाँ बप्पी जी का संगीत फिर से लोगों के कानों में पड़ा, उजागर हुआ, और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा गाना गाने को मिला है इसमें बप्पी जी के म्यूजिक का। मैंने तो उन दिनों भी उनके गाने गाए थे जब वो थे, तो उनके म्यूजिक में मैंने जो गाना गाया मुझे बहुत मजा आया, और मुझे तो इसमें एक रोल करने का भी मौका मिला, एक बड़ा शरीफ चीफ मिनिस्टर है वो मैं, तो आप लोग जरूर इसको गाने को भी सुने और फिल्म को भी देखें, और पूरी टीम को मुबारकबाद दें। सर, रेगो ने तो सॉन्ग गाया है सेवा सेवा, रेगो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यार वो कमाल है यार, वो तो बप्पीदा ही है, उसके अंदर वही आवाज है, लगता है जैसे बप्पीदा गा रहे हैं, वही आवाज है, बिल्कुल वही अंदाज है, भगवान उनको बहुत तरक्की दे, उसको वही नाम दे जैसे बप्पी जी को नाम मिला था। मैसेज ये है कि हर इंसान को जो किसी भी क्षेत्र में आए उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। तो यहाँ जो भी पॉलिटिक्स में या किसी भी फील्ड में जो ऑनेस्टी नहीं है, बेमानी है, उसको उजागर किया गया है, और यही कोशिश की गई है कि ये भी क्षेत्र दूसरी क्षेत्रों की तरह बहुत पवित्र हो, ऑनेस्ट हो। My reaction is, we have tried to make a good film, and the trailer is
the audience reaction is good, so we are happy about it, nothing else. Sir, जैसे हमने trailer देखा, the movie concept is about a love triangle. तो ये concept आपके पास कैसे, आपने कैसे इसको thought process को generate किया? नहीं, basically love triangles तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन ये एक odd love triangle, मतलब एक elderly woman और एक young लड़की और middle एक बीच में लड़का है, तो we just thought of it doing something different, लेकिन बात तो वही है, घूम फिर के सिचुएशन हैज टू बी लिटिल डिफरेंट, और बाकी फिल्म तो वैसे ही होती है, और क्या होता है. इस फिल्म का मोटिव ऐसे बेसिकली बेसिकली एंटरटेनर ही है, लेकिन मोटिव ऐसा है जो आजकल का यूथ है तो ब्लाइंडली किसी भी रिलेशनशिप में जंप कर देता है या ये कर देता है. वी आर ट्राइंग टू से के If you look before you leap, that's the thing. All right, thank you. Well.